विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सर्वदेव स्वामी विश्वेश्वरानंद जी का स्मरण करते हुए आज हमारे गुजरात के सभी साधक भाई बहनों ने जो कार्यक्रम संपन्न किया, वैसे मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, नर्मदा की परिक्रमा या नर्मदा का स्नान ही अत्यंत शुभ कहा गया है और हमारे जीवन में शुभता प्रदान करने वाला है। यह कार्यक्रम आज हमने किया और कल भी मैंने किया। याद तो वैसे मुझे भी दत्तू भैया की आती है, क्योंकि वो हर साधना से पहले आकर पूछा करता था कि भैया कौन सी साधना देनी है, क्या करना है। मैं क्षेत्र के अनुसार साधना देता था। अब इस बार की बारे में मेरा बेटा ही कहूँ, कम से कम उसने 8-10 बार पूछने के बाद भी मैं यह पूछ था, लेकिन मेरा मन की इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं कौन सी साधना दूँ। साधना देने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, शिविर करने की इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन पारुल बहन के एक कहने पर कि गुरु जी करना ही है, आपको आना है, कुछ न कुछ करना है ज़रूर इसको, हमारे लिए तो आपको आना है और उन चीज़ों को भूलना है। ये सत्य है कि आज जीवन में जन्म मरण तो सभी को लिखा हुआ है और जो हुआ उसको हम नहीं कर सकते। जो गुरुजी की इच्छा थी, अगर मैं विशेषता कहूँ तो स्वयं उसकी इच्छा थी, वो बीमार पड़कर रहना नहीं चाहता था। बार बार मेरे से हो या अपनी पत्नी से हो, बच्चे से हो, सबको यही कहता था कि मैं बीमार पड़ के मैं पलंग पर नहीं रहना चाहता, मुझे मृत्यु ही चाहिए। मैं इवन हॉस्पिटल में भी जब वो था तो मैंने बोला मैं तुझे तेरे लिए करोड़ रुपये भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ, तू बोल, वो किट बिठाएंगे। उसने कहा बाप भैया किट बिठाने के बाद भी मेरे को बेड पर रहना पड़ता, 6 महीने तो मैं तो बेड से नहीं उठूंगा, उसके बाद में जो होगा होगा, मुझे बेड पे पड़े रहकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तू ही कहता था कि मनुष्य सामर्थ्यवान जीना चाहिए, मैं बेड पर पड़कर असमर्थ जीना नहीं चाहता, यह दत्तू भैया का कहना था। तो मैं ये बात कह रहा था कि शार्दुल आकर बार बार पूछ रहा था कि बाबा ये शिविर है, उसकी साधना की सामग्री जुटाना है, आप साधना लिखो, साधना के लिए कुछ करो। बहुत विचार करता रहा और अयप्पा में बैठे बैठे मैंने ये विचार किया कि गुजरात की साधकों की विशेषता है, उनको लंबा चौड़ा मंत्र दे दो या लंबी चौड़ी साधना वाले तो कभी नहीं करेंगे, यहाँ से मेरे पास सामग्री ले जाएंगे, घर में रख देंगे, उनको करने उनको होता नहीं ना, क्योंकि वो कर्मवान हैं, कर्म करने वाले, कर्म पर विश्वास करते हैं और वो कर्म के बाद में नंबर 2 अगर हुआ तो गुरु पर विश्वास करते हैं, लेकिन गुरु का नंबर 3 ही आता है, दूसरा नंबर अपने घर के लोगों के लिए विचार करते हैं। तो ये सारी बातें तो हुई, तो मैंने ये विचार किया कि अब आगे इनके लिए तो कोई ऐसी छोटी साधना ढूंढो जो उनके जीवन में सामर्थ्य प्रदान करें, उनके जीवन में ना ऐसी कोई घटनाएँ जीवन में ना घटे जो मैं मेरे जीवन में मैंने देखा है। मेरा इससे पहला एक भाई था, वो भी हार्ट अटैक से गया और मरदा वो भी दत्तू भैया। वैसे पिताजी का तो की आयु हो गई थी तो उनका जाना था, मेरे जीवन में मैं ये सब देखते रहा, लेकिन इन सभी के होते हुए भी मुझे कहा कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने मुझे वो शिक्षा, मुझे वो दीक्षा, मुझे वो धैर्य दिया है जो कि मैं खड़े रहूं और कुछ कर सकूं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हल्के मन होते हैं, उनको थोड़ी सी भी कुछ हो जाए उनके जीवन में तो उसी को लेकर बैठते हैं और जीवन भर अपना सारे कर्म छोड़ देकर बैठ जाते हैं। मैं उस पर विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मुझे कभी भी मैं बहुत बार लोगों को एक उदाहरण प्रदान करता हूँ कि अपने घर अपने जीवन में कष्ट आए या कुछ आए तो 1-2 मिनट के लिए विचार करना, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए गहरा विचार हो तो 2-3 मिनट बाद में हमें ये करना है कि हमें उसके पार करके तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। लाड़ी महाशय एक बार क्या कहते हैं कि उनकी पुत्री मर गई थी उनकी, और उनकी यानी उनकी पत्नी यानी उस पुत्री की माँ रो रो कर हाल बेहाल कर रही थी। उनके पास भी शिष्य आते थे ऐसे बैठे हुए, लाड़ी महाशय 1-2 दिन रह गए, 3रे दिन शिष्य आए केवल सांत्वना देने के लिए कि गुरुजी ये कैसा हुआ, क्या हुआ, ये पूछने के लिए आए। तो लाड़ी महाशय बैठे और उनको प्रवचन करने लगे, तो बीवी ने उनकी पत्नी ने बाहर से उठाकर ये
जोर का बर्तन टपक गया और कहा कि क्या तुम्हें थोड़ा भी बुद्धि है? बच्ची जाकर 3 महीने 3 दिन नहीं हुए और तुम प्रवचन करने बैठ गए, और वो शिष्य कैसे शिष्य तुम्हारे? ये कहने का शिष्य भी घबरा गया कि भाई ये प्रवचन क्यों कर रहे हैं, हम तो उनको सांत्वना देने के लिए आए थे। तो लाड़ी महाशय का एक बहुत सारा बहुत अच्छा उदाहरण मुझे आज भी बार बार यही बात बताता है। बोले तुम जो बात कह रहे हो ये बात सच है कि दुख तो होता है, लेकिन कितने दिन? दुख करने से हम कर्मवान नहीं बन सकते, हम आगे का कर्म नहीं कर सकते। अगर एक दुख को पकड़ के लेकर चले तो उस दुख को मिटाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, अगर कीचड़ है, कीचड़ में तुम एक पत्थर मारो तो कीचड़ में पत्थर घुस जाएगा, क्योंकि तुम्हारा नरम दिल है उसमें घुस जाएगा और वो जीवन भर के लिए तुम्हें सताते ही रहेगा। वो पत्थर घुसा हुआ है और उस कीचड़ है। तुम्हारे मन को घट कर दो, एक पत्थर को लेकर पत्थर पर मारो, एक बार के लिए चोट करेगा, उड़ जाएगा, निकल जाएगा। चोट तो दोनों को भी लगी, चोट इसको भी लगी, चोट उसको भी लगी, लेकिन फिर भी चोट को कितनी देर सहन करना है उतनी ही देर सहन करना है। ज़्यादा देर सहन करने से हम जीवन में कुछ कर्म नहीं, कुछ काम नहीं कर सकते। हम काम ही नहीं कर सकते तब हमें किस तरह का जीवन जीना है? सुबह आते आते कार में गोपी ने बातें सुनाना शुरू कर दिया था, किसी व्यापार के बारे में हो, किसी के बारे में हो। तो मेरा नज़रिया, सभी का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, मेरा दृष्टिकोण कभी व्यापार के बारे में हो या किसी के कोई भी चीज़ के बारे में, मेरा दृष्टिकोण ऐसा है, मैं व्यापार करने से पहले ये नहीं सोचता कि मेरे को इसमें कितना फ़ायदा होगा, मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ कितना पैसा आएगा, ये कभी विचार नहीं करता। मैं विचार ये करता हूँ कि इसमें इतना पैसा डाल रहा हूँ, इसमें नुकसान हो गए तो मैं कितना भोग सकता हूँ, इसको शेयर कर सकता हूँ, सह सकता हूँ या नहीं सकता हूँ, ऐसा व्यापार करता हूँ। ऐसी ही साधना करता हूँ जिसमें अगर नुकसान हुए तो मैं सह सकता हूँ या नहीं, इसमें इस व्यापार में पैसा डाला हूँ अगर मैं डूब गया तो मैं सह सकता हूँ नहीं, इस तरह से व्यापार आरंभ करना हो या कोई साधना करनी हो या कुछ आगे चलना हो इस प्रकार करता हूँ, और मैं दुख नहीं अनुभव करता। मैंने कुछ नुकसान भी हुआ तो दुख नहीं है, फायदा हुआ तो आनंद, कष्ट हुआ तो है, कष्ट तो होता मैंने पहले ही सोचा था इसलिए कष्ट होगा ही होगा, काम करता हूँ, सुख हुआ तो आनंद। तो इस यानी अपनी अपनी सोच अलग अलग तरीके की होती है कि हम अगर एक प्रकार के एक बिजनेस को पकड़ के, मेरे पास बहुत सारे रगत गुरु है, वो बिजनेस आपने ऐसा कहा तो बहुत नुकसान हो गया, अब वो चार छः महीने खुद तो डूबता ही है, साथ साथ में बीवी बच्चों को लेकर भी डूबता है, मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को नुकसान, उसका स्कूल बंद कर दिया, इसका घर भेज दिया उस, अरे तू अगर उसको जरा रोकते आए तो आगे क्या करना है तुझे पता चल जाता, लेकिन तू नहीं करता, तू डूबता है साथ में साथ के लोगों को लेकर डूबता है। तो इस प्रकार की विचारधारा को जब तक हम नहीं बदलते तब तक हम जीवन में आगे कुछ कार्य नहीं कर सकते, आगे कार्य करने के लिए हमें बहुत आगे बढ़ना होता है। इसी को मन में रखते हुए मैंने जब मेरे बेटे ने शिविर के बारे कहा था तो मुझे पता है पारुल बेन हो या फिर हमारे निमेश हो, ये साधक लंबी चौड़ी साधना नहीं करते, छोटी सी साधना दे दो तो कर लेंगे, कैसा भी काम चल जाएगा। तो सोचा ये कि इनको कोई ऐसी छोटी साधना दे दें जिसके बारे में मैं बहुत ढूंढता रहा। बाद में रुद्रयामल तंत्र में ऐसा लगा कि नर्मदा का गणेश जो है वो उसमें नर्मदा के गणेश जी के बारे में लिखा है, जैसा मैंने कल बताया था कि गजानन महाराज ने निमोनकर नाम के आदमी को उस पत्थर को देकर पूजा करने के लिए कहा था और एक मंत्र देकर कहा था कि जिसकी जो इसकी पूजा करेगा उसका उसकी कुंडलिनी जागरण होगी और उसको उसके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहता हूँ कि कैंसर हो, कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहा गया है, कर्क यानी ठेकड़ा, उसे ठेकड़े का रोग कहा गया है। साधारणतः आजकल तुम आप एक स्टडी करने से पता चल जाता है, कभी भी धनु मकर कुंभ मीन ये राशियों को, ये राशि वालों के लोगों को, इसके नक्षत्र वालों के लोगों को ही कैंसर होता है, और जो मेष वृषभ मिथुन हैं ये लोगों को हार्ट की बीमारियां आती है ज़्यादा से। वैसे ही कर्क सिंह कन्या हैं उनको लकवा मारना, ये सारी बीमारियां हैं जिससे आदमी आधा तो खलास हो जाते हैं, और चाहे करोड़पति हो या कुछ भी हो, जैसा गुरु जी कहा करते थे, बिरला भी थे गुरु जी के पास, एक बार गए बिरला जी के घर में तो गुरु जी ने बैठ कर उन्होंने कहा, वो पलंग पर पड़े हुए थे, पलंग सोने का बना हुआ था, गद्दा था और ये काटन का कपड़ा डालकर धोती डालकर सोए हुए थे। तो सभी लोग आए तो नौकर चाकर बहुत सूट बूट में थे सब नौकर चाकर, तो गुरु जी को बिरला जी ने आने के बाद कहा, ये गुरु जी का कहा हुआ है, मेरा कहा है नहीं, गुरु जी ने स्वयं कहा है। तो गुरु जी को उन्होंने कहा, गुरु जी ये सब लोगों को भेज दो,
उन्हें गुरु जी कुछ पर्सनल बात करनी है शायद। गुरु जी ने कहा सभी को चले जाओ, सभी चलो लोग चले जाओ। सभी लोग चले, गुरु जी अकेले बैठे। गुरु जी मेरी एक इच्छा है। गुरु जी बोलेगा करोड़पति आदमी, अब मेरे को इच्छा क्या बोलेगा, ये और क्या, और कितना पैसा चाहिए, इसे क्या चाहिए, वो जानना चाहते थे। बोले बोलो क्या आपकी क्या इच्छा है बोलो। गुरु जी एक बात कहता हूँ, मैं खुशी के साथ एक आधा किलो मिठाई खा लूँ, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे कुछ नहीं होगा। गुरु जी परेशान हुए, मिठाई लाए, इसको ये मिठाई तो ला के खा सकता है, मिठाई तो इसके पास पड़ी हुई है, मिठाई तो नहीं खा सकता। तो गुरु जी क्या इसमें बड़ी बात क्या है, मिठाई अभी गुरु जी अगर मिठाई का एक टुकड़ा खा गया तो मैं तीन दिन चक्कर आके गिर जाऊँगा, मेरे में मेरा रक्त खराब हो जाएगा, मेरा सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, मैं मिठाई खा नहीं सकता। और मैं आपकी छोटी सी इच्छा, आपको लग रही है मेरे को बहुत बड़ी इच्छा है, बोले साले क्या बोले, मेरे ये नौकर सूट बूट डाले हुए हैं, रोज़ मेरे सामने मिठाई लड्डू खाते बैठते हैं, और मैं वो क्या चावल का पानी पीता हूँ और एक सूखी रोटी खाता हूँ, ये मेरी स्थिति है। और मैं रात भर बैठे रहता हूँ, इधर उधर पटे रहता हूँ, ये सारे घुर्राटे मारते सोते हैं, मेरे को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाता, करोड़पति हूँ।